नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कई वर्षों से चला आ रहा है कावेरी नदी जल विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। इस विवाद की वजह से दोनों राज्यों की आम जनता को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने कर्नाटक सरकार को आदेश दिया था कि वह अगले 15 दिनों तक तमिलनाडु को 5000 क्यूसेक पानी छोड़े। इसके बाद कर्नाटक सरकार इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन वहां भी उन्हें सफलता नहीं मिली। कोर्ट के आदेश के बाद राज्य भर में प्रदर्शन शुरू हो गया है। अब इसी बीच कन्नड़ा ओकुटा ने शुक्रवार को कर्नाटक बंद का आह्वान किया है। हालांकि इससे पहले एक अन्य संगठन ने मंगलवार 26 सितंबर को देश के आईटी हब बेंगलुरु में बंद का आह्वान किया था। इस बंद को शहर के कई संगठनों ने अपना समर्थन दिया था, लेकिन जब ओकुटा ने शुक्रवार को राज्य बंद का ऐलान किया तो तमाम एसोसिएशनों ने मंगलवार को बेंगलुरु बंद से अपना समर्थन वापस ले लिया है। बहुत ही बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बता दें कि कन्नड़ा ओकुट्टा कन्नड़ अधिकारियों की लड़ाई के लिए जाना जाता है। इसमें प्रदेश भर के लगभग 90 संगठन आते हैं। ये बेहद ही बड़ा और प्रभावशाली गुट माना जाता है। इस बंद को लेकर आज एक बैठक हुई, जिसमें वटल नागराज के द्वारा 29 सितंबर को टाउन हॉल से फ्रीडम पार्क तक विरोध मार्च की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने राज्य भर में शुक्रवार को बुलाए गए बंद के लिए ट्रांसपोर्ट यूनियन, फिल्म चैम्बर, मॉल मालिकों, स्कूल कॉलेज सभी ने दोस्तों बंद का आह्वान कर दिया है। तो बहुत ही बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 29 सितंबर 2023 को पूरा कर्नाटक बंद रहने वाला है। अब तक की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। आप सभी अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें, अपनी राय कमेंट में लिखें, चैनल को